डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। मेवाड़ डिक्टेशन संख्या 9। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं, तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं। पहला, हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जन आकांक्षाओं की पूर्ति बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति में से इन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है, अथवा न्यायपालिका जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद जो कि जन निर्वाचित निकाय है उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण, राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। स्टॉप।